ओ भाई साहब, क्या सीन है ये कुत्ता पीछे चली जा रहा है। गाइस अभी वाटरफॉल से नहा के अपना निकले थे, तो दो ऑप्शन था उधर जाने के लिए, या तो फिर गाड़ी बुक करो या फिर कोई ऑटो वगैरह देखो। तो हमने चूज किया तीसरा ऑप्शन ट्रैकिंग करके। तो अभी हमें चलते चलते ये लगभग तीन किलोमीटर हो गया है, 3 किलोमीटर चलते हो गया है, और अभी 5 किलोमीटर और चलना है। कौन सा गांव है जो आगे जाना है? तलोगड़ा गांव पे जाना है अभी। तो उधर से बस मिलेगी फिर अपने को चैल के लिए। तो अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं अपना फुल, देख लो डंडिया वगैरह भी उठा लिया हमने, हालत खराब हो गई है। अब जो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। अब ये है कि ये रास्ता ऐसा है, इधर कोई व्हीकल वगैरह भी नहीं मिल रहा है, ना कोई ऑटो वगैरह चल रहा है, कोई लिफ्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक दो सीट मिलेगी, 4 बंदों को कहाँ से बिठाएंगे। कितना चल सकते हो अभी? और एक खास बात और, जब से हम चले हैं ना, ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ रहा है, इसने है ना साथ नहीं छोड़ा। इसको हम 2-3 बार घा चुके हैं, ये फिर भी पीछे पीछे भागी जा रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या चाहता है ये। खाने का सामान हमारे पास है नहीं अभी, कोई दुकान वगैरह भी नहीं मिली बीच में जो कि इसको लेके खिला दे कुछ। तो काफ़ी देर से पीछे पीछे आई जा रहा, पता नहीं क्या रीज़न है, कुछ तो रीज़न होगा, हमें नहीं समझ आ रहा पर इसका। तो गाइस चलते चलते पहुंच जाएंगे चहल और अपना रूम लेके आराम से रेस्ट करेंगे। तो जिस ढाबे पे हमने लंच किया था, तो उस भैया ने बताया था कि 2 रास्ते हैं सिलेक्ट कर सकते हो आप, एक तो रोड बाय रोड जाने का लिया, तो उधर से सीधा रास्ता जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होएंगे हम। तो एक रास्ता बताया था ऐसे जो पहाड़ों के बीचों में से बने होते हैं, तो वो नहीं समझ आया, अगर उस रास्ते से जाते तो क्या पता कहीं गुम भी हो जाते या फिर कोई गलत रास्ते पे चले जाते, चला उड़ते तो टाइम भी वेस्ट होता। ये देखिए रास्ता बना रखा है। तो अभी के लिए सीन ऐसा है कि रोड बाय रोड जा रहे हैं, और ये काफी लंबा भी रास्ता पड़ रहा है उस शॉर्टकट रास्ते से। शॉर्टकट रास्ते पे हम थोड़ी देर ही चले थे, ऊपर जाने के बाद सीन ऐसे हुआ कि कुत्ते पीछे पड़ गए। कुत्ते भौंकने लग गए थे, तो हम सोचे इधर ठीक नहीं है जाना इधर से, तो हमने ये रास्ता सिलेक्ट किया था। तो अभी थोड़ी देर रुके हैं रेस्ट के लिए। देख लो भाई साहब यार, ये कुत्ता आ ही जा रहा है इधर, 3 किलोमीटर से चल रहा है भाई साहब, ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे। क्या सीन है इसका? अभी देख लो, अभी छुप गया है, इधर रुक गया भाई, क्या क्या सीन है इसका? अरे कौन ऊपर यार रहने दे। अभी देख लो गाइस, अभी इतना चल चुके हैं ना हम, तो ये कुत्ता अभी तक पीछे आ रहा है, तो आगे जाके भी देखना, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, ये पीछे नहीं छोड़ रहा, पता नहीं क्या सीन, पीछे पीछे चले जा रहा है, जबकि भगा भी दिया इसको 3-4 बार। तो अभी ये रास्ता कह रहा है कि शॉर्टकट है ये रास्ता, तो टाइम वेस्ट ना हो इधर, निकल तो ले गए इस रास्ते से पर टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई एक निकम्मा अपना इधर से शॉर्टकट लेके पता नहीं कैसे चढ़ गया है, और हमें कह रहा है कि इधर से मत आना, गिर जाओगे। भाई हम क्यों नहीं आ सकते? आगे ना का ना रास्ता देखिए मिलेगी। फिर क्या हो रहा है? फिर वो रास्ता गलत है जिस पे तू गया, और रास्ता गलत है वो। ये भाई ऊपर जाने के बाद ये क्या कह रहे हैं? करते हैं दूसरी साइड तान लग रहा हूं। ये देख लो भाई साहब, बंदा शॉर्टकट लेके गया था, उसको पता भी नहीं है कि ये शॉर्टकट है या नहीं है, लग रहा था कि ये रोड ऊपर जाके मिल जाएगा इधर से, तो अभी वो गलत चला गया, इतनी मुश्किल से चढ़ा हालत खराब करके, 20 मिनट का रास्ता खराब, इसने हमारा भी टाइम वेस्ट कर दिया गलत रास्ते से जाके, बोलता मैं जाऊंगा इधर से।
सिन्ने खूब आ गए। ये देख लो ये काम है इसके, ये देख लो ये कुत्ता पीछे ही नहीं छोड़ रहा यार कैसे। ये मारे ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट लगाइए भाई साहब। अरे बताऊं देता हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट चढ़ाई थी बोर्ड है, कोर्ट चढ़ा जाओ वो हवा नहीं कर दियो रे शॉर्टकट। ओ भाई पसीने में हो गया बंदा शॉर्टकट लेने के लिए। अभी तो देख के ही चलो क्या हाल बनता है। पहुंच भी भाई ये या नहीं भाई, ये 5 किलोमीटर यार, 3 किलोमीटर चले अभी, 5 किलोमीटर और चलने हैं, आसान थोड़ी ना है, और वो भी ऊंचाई पे। रास्ता तो चलो सही मिला हुआ है, रोड बिल्कुल क्लीन है, बना हुआ है रोड भी, ऐसा नहीं है कि रोड भी टूटा हुआ है, अभी अभी बना नया, कुछ टाइम पहले ही बना होगा ये रोड। चलो सही है, अभी ये था जो शॉर्टकट था ना, तो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्टकट था जिधर से हमको आना था, तो सीन ऐसे है कि इधर से घूम फिर के इधर से आए हम रोड बाय रोड। तो इधर ही है कि शॉर्टकट तो ठीक है, लाइन तो चल रही है, पर लाइन किधर मुड़ रही है फिर वो नहीं पता चलता, आगे जाके दो लाइन भी मुड़ जाती है तो बंदे तो मिलते नहीं है बीच में कोई, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, इधर लोकल भी नहीं मिलते, काफ़ी कम ही मिलते हैं, दिखते हैं तो फिर वो बता ही देते रास्ता, अब ना ही दिखे तो फिर हम क्या करें, फिर तो हम तो लटक गए। ओ क्या बात है, कितना रह गया, 3.5 किलोमीटर रह गया, तो अभी हम 5 किलोमीटर चल चुके हैं फिर, क्या बात है, पता भी नहीं चला 5 किलोमीटर चल चुके हैं। ओ 4 नहीं 5 भाई साहब, पीछे से भी तो आए हम वाटरफॉल से सलोगड़ा, 4 किलोमीटर तो भाई साहब 4 किलोमीटर चले हैं हम, 5 किलोमीटर नहीं चले हैं फिर। मैप में कुछ दिखा रहा है, अगर ये आइकन से पता चल रहा है, ये जो लगा हुआ था बोर्ड मेंशन कर रखा था जिधर 4 किलोमीटर रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो 4 किलोमीटर रह रहे हैं, मैप में 3 किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं 3 किलोमीटर कब तक पहुंच जाएगी। ठीक है सीन, पूछते हैं भाई से, ये शॉर्टकट लेके गया था तो कुछ दास्तां सुना अपनी, सुना कुछ भाई। स्टार्टिंग में तो लगा कि मैं इनसे पहले पहुंच जाऊंगा, अच्छा बाद में मुझे पता चला मैं इनसे लेट पहुंचूंगा क्योंकि ऊपर रास्ता ही नहीं था भाई, ऊपर क्या था, खेती बाड़ी थी क्या, कुछ नहीं था बिल्कुल भाई, बस ऐसे फ्लैट था जैसे नीचे है इस तरह का था, जम्मर बंजी थी जम्मर, तो भाई नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं था, मैं आया हूँ बिल्कुल ऐसे मन लगा लो, इतनी इतनी जगह थी उन पे पैर रख रख के आया हूँ। अगर भाई लास्ट में तेरी टूट जाती तो हड्डिया टूट जाती तो भाई हड्डिया, हमारे पास ये है हमारे बॉस जो ये ट्रिप का प्लान किया, जिसने सभी खर्चा उठाया है सर हमारे। तो गाइस अभी तक के ट्रिप का फीडबैक लेते हैं अपने बॉयज से, प्रेम में आओ भैया, एक जगह तो ऐसा भी वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ है कि हम बता ही नहीं सकते आपको, ट्रीटमेंट हुआ है, हां इलाज कराया इसका बस, अच्छा तो भाई एक कुछ सीम बताएगा ट्रिप के बारे में, तो बढ़िया है, सही एंजॉयमेंट वाला है, अभी तक सही चल रहा है, बस अभी पता आगे देखते हैं, और मोहित से भी पूछ लेते हैं क्या कैसा चल रहा है ट्रिप, मजे आ गए, थोड़ा चलने में यार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम यार लगातार 2 घंटे 3 घंटे हाँ, ये तो है कि सीरियसली चलने में प्रॉब्लम आ रही है, एक तो फ्लैट होती है जगह, उधर चलने में इतनी दिक्कत नहीं आई, तो इधर सीन क्या है कि ऊंचाई पे चढ़े जा रहा है, तो उस चक्कर में सांस चढ़ी पड़ी, आप आवाज से अंदाजा लगा ही रहे होगे, तो कैसी हालत खराब हो रखी है। और इधर से देखो यार ये बैकग्राउंड देखो, साइड में खाई है एक तरफ और एक तरफ ऊपर वाली खा पहाड़िया, क्या ये हमारा बच्चा भी गिरने वाला था, ये हमारा कमल कुमार गिरने वाला था, तो कुछ कमल कमल तो कमल से पूछते हैं, तू कुछ हटके दिखा, तू कमल से पूछ ही लेते हैं कुछ अभी तक के ट्रिप में कुछ ऐसी बात या फिर कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आई हो, तो है कुछ ऐसा
ये मुझे लग रहा है वो दोबारा से रेलवे स्टेशन वाला गुंगा बन गया है। क्या सीन है ये कुत्ता पीछे चली जा रहा है। 4 किलोमीटर हो गया भाई इस कुत्ते को। क्या सीन है यार ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे। हाँ भाई क्या दिक्कत है तुझे, पीछे से चली जा रहे भाई। क्या डरा रहा है तो ये इतनी देर से पीछे आ रहा है। क्या सीन है इसका पता नहीं। देख लो कितनी ऊंचाई पे आ गया यार। पीछे से चल चल के और वो कुत्ता अभी भी पीछे आ रहा है। गाइस अभी के लिए मैं थोड़ी देर फोन रख रहा हूँ तो अपना आगे जाके फोन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं मोबाइल को, अपना सीधा चलते हैं आराम से रिलैक्स हो के। तो गाइस अभी हम रेस्ट के लिए थोड़ी देर बैठ चुके हैं। इधर से यार खतरनाक ही सीन है, पता नहीं क्या कर रहे हैं नीचे, गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। पर पहाड़ काट काट करके मिट्टी से सफाई कर रहे हैं। गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं क्या, पक्का कन्फर्म गोल्ड माइनिंग कर रहे हो जी। बाकी पता नहीं, देख लो इन्होंने इतना पहाड़ काट रखे है सारा। तो अभी रहता है 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर ही रहता है अभी तो लगभग 1 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर रहता है और ऊंचाई इस बार तगड़ी है क्योंकि बाय रोड नहीं है ये बाय रोड नहीं है। अगर बाय रोड जाते हैं तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर इधर से जाएगी शॉर्टकट है तो, पर ऊंचाई भी उतनी ज़्यादा है शॉर्टकट के हिसाब से, सीन तो वही पड़ जाना है। अगर बाय रोड जाते हैं तो थकते नहीं इतना। अभी इधर थोड़ा सा ही चढ़े थे, इधर से चढ़े थे जो वो घर दिख रहा है ना, ये वाला घर यहाँ से चढ़े थे तो इधर तक ही पहुँचे अभी। तो रेस्ट कर रहे हैं अभी, बीच में रोड में भी रेस्ट नहीं किया ना, काफ़ी देर से चल रहे हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चल लेंगे 5 मिनट कुछ रेस्ट करके। बाकी गाइस एक सीन तो है, इधर के लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के लिए, स्ट्रगल बोले तो काफ़ी, वो चलते भी इतना काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखे इधर के लोग वो काफ़ी फिट से रहते हैं। भाई साहब इतना ट्रैकिंग करने के बाद बंदा फिट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। काफ़ी सही है इधर का सीन, मतलब कि देखे जाए तो इधर की लाइफ काफ़ी सही है, लॉन्ग लाइफ है। और जो सिटी के अंदर है वो ऐसा ही सीन है फास्ट फूड वगैरह का और खाने पीने का भी थोड़ा। तो यहाँ के लोग खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रखते हैं तो इसीलिए वो काफ़ी फिट रहते हैं। अब क्या सीन हो गया, अब दोबारा से कन्फ्यूज़न हो गया कि रास्ता किधर से जा रहा है। ये देखो यार खाई बिल्कुल नीचे। शिवम आगे से रास्ता नहीं क्या, उस साइड से है तो रास्ता, पर वो इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा। जिस तरीके से ये वाली लाइन दिख रही है वो वाली लाइन नहीं दिख रही उधर से, है ना, इस साइड से है क्या, रोड है क्या इधर यार, क्या अब ये यार क्या सीन है, अब अलग ही जुगाड़ चल रहा है। ये हुई है गाइस प्रॉपर ट्रैकिंग, काफी हालत खराब करते हुए चलते जा रहे हैं। क्या ट्रैकिंग नहीं है भाई ये पूरी, इसको ही बोलते ट्रैकिंग भाई। अब इससे ज्यादा क्या जान लेगा बंदे की। वो इधर थोड़ा देख के चलना, ये जो घास सी रखी हुई है ना इधर पैर स्लिप हो सकते हैं, जो गिरी हुई है वो। यार फिर गलत आ गया मुझे लग रहा है ना, यार गलत लग रहा है, देख लो एक बार अच्छे से यार। ओए एक साइड चलो। देख रहे हो यार क्या सीन है, इधर से चढ़ना बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल फंस ही चुके हैं। थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ, नीचे खाई है काफ़ी गहरी। फाइनली पहुंच चुके हैं ऊपर रोड की तरफ, ये थोड़ा सा ही रह गया इतना ऊंचाई की।
तो बीच में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, रिस्की था काफ़ी। तो अभी ऊपर चल के फिर मिलवाते हैं रोड पे जी में भाई, और तो चढ़ चुके ऊपर कहाँ सड़क तो लग रही है। थैंक यू इस स्टिक के लिए, काफ़ी इसने हेल्प किया है। तो मैं इसको अभी इधर रख देता हूँ, किसी और की यूज़ आ जाएगी। तो चलते हैं अभी, कहाँ जाना है ये रास्ता मुझे। अच्छा ये नीचे रोड है जो शिवम, नीचे रोड है एक, ये देख लो ऊपर का नज़ारा। इधर से चल के आइए, जबकि ये रास्ता नहीं था भाई साहब, किसी ने बोला भी नहीं इधर से आना है। हमें लगा थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था ऊपर जाके, वो ख़त्म हो गया फिर ना तो वापस जा सकते थे, तो फिर इधर से ही ऊपर आना पड़ा। तो थैंक गॉड कि सेफ बिल्कुल आराम से पहुंच गए ऊपर, पूरा सेफली चढ़ना पड़ा यार, काफ़ी रिस्की था। तो क्या कह रहे हो नीचे जा रहे हैं यार, ऊपर जाना अपन को। जो नीचे रोड है वो उधर गए हुए ये रे मोहित और कमल। तो ट्रैकिंग तो भाई पूरी प्रॉपर हो चुकी है आज, अब बस ये है कि रूम लेके रेस्ट करना है। ऊपर जाने लग रहा है, रास्ता ऊपर को नहीं जाना है अपन ने। एक रास्ता ऊपर वाली साइड जा रहा है, तो भी पूछ रहे हैं किधर जाना है। ये ऊपर वाली सड़क, अच्छा जो ये नई बनाने लग रहे हैं वो वाली, जो ये ऊपर अच्छा किस साइड से जाना पड़ेगा, ये नई वाली है को निकल, ये जो नया रास्ता बन रहा है छोटा वाला, गाड़ी गाड़ी किधर खड़ी है इधर, गाड़ी किधर से जाएगी, गाड़ी नहीं पैदल नहीं वैसे पैदल जाना है हमको, तो इधर से ही जाए ये वाला जो सीधा रास्ता से मिल जाएगी गाड़ी से लोगड़ा। अच्छा उधर के लिए चैल के लिए मिल जाएगी, कितनी दूर है यहाँ से लोगड़ा, आधा घंटा अभी भी, वैसे तो एक किलोमीटर दिखा रहे हैं, आधा घंटा लग जाएगा चढ़ाई है ना आपको। अच्छा। तो ना चढ़ तो जाएगी अभी, इतना तो चल के आया है। अच्छा अच्छा चलो, बाय रोड ज्यादा पड़ेगा है, इधर से तो दूर है। अच्छा ये सीधा रास्ता, इधर से आप यहाँ से आके ना देखिए यहाँ से घूम के फिर ऊपर से। हाँ जी ठीक है, बस मिलेंगे आपको। चल ठीक है, चलो करा कंटिन्यू। हाँ चलो चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपका। तो कहाँ से इधर से निकल रहे सीम, आगे से आ जा, रास्ता है ये रास्ता। हाँ अच्छा है, या सीधी जगह तो इधर से निकल लेते हैं, जिस तरह यहाँ से मारो ऐसे लग रहा था कि ऊपर ये रोड है, तो फिर इस वजह से बीच में से आ गए। ऊपर आ जाऊं, ऊपर से रास्ता, वो खामखा नीचे चल गए। ऊपर का रास्ता या सीधा रास्ता बीच में, अरे म्यूट नहीं कर रहे। अभी भी जो अंकल से हमने रास्ता पूछा ना, वो कह रहे कि आधे घंटे का रास्ता है, अगर अच्छे से चढ़ोगे चढ़ाई तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे। भाई 15 मिनट, दो घंटे हो गए चलते चलते, अभी भी 15 मिनट, वो भी इधर वाले बंदा चढ़ सकता है 15 मिनट में, हम तो शायद आधा घंटा में ही चल पाएंगे, क्या पता ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि थके भी हुए काफ़ी, रेस्ट भी नहीं मिला, थोड़ा सा रेस्ट किया था 5-10 मिनट बीच में रुक के। वो भाई से पूछ रहे बस के लिए, क्या सीन है, ये व्यू देखो गाइस, इधर का व्यू देखो। हमारे साथ ना बिल्कुल मजाक हो गया, जिस रास्ते से हम आए ना ऊपर चढ़ने के बाद, एक अंकल था उससे पूछा हमने कि अंकल इधर से कोई आता जाता है क्या, वो बोलते नहीं। तो देख लो अब कौन अलग ही रास्ते से आ रहे थे और उधर से कोई आता जाता नहीं है, तो था रिस्की काफ़ी, सेफली थैंक गॉड पहुंच गए ऊपर। तो इधर ये बन रहा रोड पीछे बैकग्राउंड पे। फाइनली गाइज हमें बस मिल गई थी सलोंगड़ा से कंडा घाट के लिए, तो आज हम स्टे करने वाले अपना साधुपुल जो कि चहल से 11 किलोमीटर पहले पड़ता है, और इधर ही अपना आराम से रेस्ट करेंगे आज। एंड गाइज जो कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ रहा था, तो ना जाने उसके मन में क्या आई,
तो हम एक रास्ते से अपना ऊपर की तरफ निकले और वो अपना रोड बाय रोड आगे निकल गया। ऑल राइट, तो ये गाइस हमें पूरा रास्ता पार करने के लिए ट्रैकिंग करके हमें 10 किलोमीटर चलना पड़ा, जो कि मोहन शक्ति पार्क से हम रीवा वाटरफॉल की तरफ गए थे। रीवा वाटरफॉल से फिर अपना इधर सलोगड़ा की तरफ गए थे बस लेने के लिए। तो पूरा कवर करने के लिए हमें टोटल 10 किलोमीटर चलना पड़ा। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया गया रिवर और आसपास के उधर के नज़ारे, कि रिवर के आसपास में होटल वगैरह जो है और जो लोग इन्जॉयमेंट करते हैं उधर क्या चलता है क्या नहीं, सब दिखाने वाले आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।